चलो लास्ट uh, देखते हैं हम भक्ति मोमेंट के जो लास्ट लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हमारा जो भक्ति मोमेंट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा तो आज हम देख लेते हैं मीरा भाई देख लेते हैं तुलसीदास देख लेते हैं और महापुरुष शंकर देव देख लेते हैं ठीक तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये जो शंकर देव जी हैं उनके बारे में देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं शंकर देव जी के बारे में देखते हैं ठीक तो आप शंकर देव जी के बारे में क्या क्या आपको पता होना चाहिए तो पहली बात शंकर देव जी कहाँ पे भक्ति मूवमेंट को फैलाते हैं तो ये स्प्रेड करते हैं भक्ति मूवमेंट को जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल और उड़ीसा मतलब गौड रीजन के लिए वैसे ये क्या होता है तो स्प्रेड करते हैं भक्ति मूवमेंट को कहाँ पे असम में समझ गया क्लियर है तो ये अब देखो शंकर देव जी क्या है ये वही चीज अगेन ये आपके क्या क्या हो जाएंगे ये आपके हो जाएंगे सेंट हो गए ये स्कॉलर हो गए ये आपके पोएट हो गए है ना इसके साथ साथ प्ले राइटर हो गए सोशल रिफॉर्मर हो गए और इन्होंने क्या किया फाउंडर ऑफ वैष्णविज्म इन आसाम समझ में आ गया तो ये पॉइंट आपको चाहिए फाउंडर ऑफ वैष्णविज्म इन असम मतलब क्या है कि इन्होंने भक्ति मूवमेंट असम में चालू करने का इनको श्रेय दिया जाता है कौन सी भक्ति तो वही हो गई सगुण भक्ति सगुन भक्ति मतलब किसके अराउंड रहेगी तो वैष्णव भक्ति वैष्णव में भी किसके तो आपको बताऊनी चाहिए कृष्ण की भक्ति है ना भगवान कृष्ण की भक्ति के इर्द गिर्द इनका जो भक्ति मूवमेंट का प्रीचिंग है वो रिवॉल्व करता है ठीक इन्होंने क्या किया है भक्ति मूवमेंट को इंस्पायर किया है कहां पे मैंने बस असम में और वहाँ के लोगों को यूनाइट किया है कैसे वहाँ पे इन्होंने न्यू वैष्णव मूवमेंट चालू किया था जिसको बोलते हैं एक नाम धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है रट्टा मार लेना ठीक है ना क्या बोल रहा हूँ एकाशरण नाम धर्म ठीक है ना ये उनका जो धर्म है मतलब जैसे मैंने बताया ना गौड़ी वैष्णविज्म ऐसे आएगा कि मैज द फॉलोइंग करने को गौड़ी वैष्णविज्म इज रिलेटेड टू तो वो हो गया आपका चैतन्य महाप्रभु वहीं पर आपको आ जाएगा एक आचरण नाम धर्म तो आपको पता होना चाहिए कहा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक आशरम नाम धर्म ये जो ब्लैक कलर से है ये वेरी इंपॉर्टेंट है किसने चालू किया था कहाँ चालू किया था तो आपको पता होना चाहिए असम में चालू किया था मतलब ये है क्या तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भक्ति मूवमेंट का अलग अलग जो लोकल वेरिएशन है उसको अलग अलग नाम से जाना जा रहा है है ना तो ये जो भक्ति मूवमेंट असम में जो इन्होंने महापुरुष शंकर देव ने चालू किया था उसको क्या बोला जाता ना एक आशरम नाम धर्म या फिर इसको एक और टर्म से बोलते हैं जिसको बोलते हैं महापुरुषे धर्म सुन मेघा ये देखो अब इन्होंने इनका जो भक्ति मूवमेंट था इनका भक्ति मूवमेंट था उसके कुछ फॉलोवर्स होंगे उन उनके जो फॉलोवर्स हैं जो शंकर देव द्वारा जो भक्ति मूवमेंट वहां पे स्प्रेड किया गया है है ना उसको उनके जो फॉलोवर्स हैं वो अपने आप को क्या बोलने लगे महापुरुषद अपने मतलब एक सेपरेट रिलीजन मानने लगे वो कि भाई हमारा एक सेपरेट रिलीजन ही हो गया जैसे मैंने लिंगायत बताया था याद करूंगा कि भाई वो सेपरेट ग्रुप और सेपरेट अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं वैसे इनके फॉलोअर्स अपने को, आपको क्या बोलने लगते हैं एक सेपरेट रिलीजन ही अपने आप को मानने लगते हैं सेपरेट रिलीजन कंसिडर करने लगते हैं देम सेल्व्स एज अ सेपरेट रिलीजन जिसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है महापुरुष धर्म ठीक तो ये पता होना चाहिए महापुरुष धर्म क्या है तो मतलब जो शंकर देव द्वारा दिया गया जो भी उनकी प्रीचिंग्स है उसको फॉलो करने वाले लोग अपने आप को सेपरेट कंसीडर करते हैं और अपने आप को क्या बोलते थे महापुरुष धर्म के फॉलोवर हैं वो है ना ठीक वही चीज़ क्या हो गया कि अब इसमें वो करते क्या है ये वही वाली कि भाई सोशल वैल्यूज जो है और सोशल सिंथेसिस जो है सोशल रिफॉर्म्स जो है उन सब की बात करते हैं है, है ना इन्होंने क्या किया था कृष्णा को एज अ मतलब गॉड को एज अ फॉर्म मतलब सगुण भक्ति की बात करते हैं गॉड को एज अ फॉर्म में देखते हैं फॉर्मलेस कंसीडर नहीं करते हैं मतलब गॉड को एज एन एट्रीब्यूट देखते हैं और उसको किस रूप में देखते हैं भगवान कृष्ण के रूप में देखते हैं ठीक तो ये पता होना चाहिए जो शंकर जी ने हैं शंकर देव जी हैं उन्होंने असमी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा एनरिच किया है असामी लिटरेचर को बहुत ज़्यादा मतलब जो, जो बोलते हैं जो आसामी लिटरेचर जो है ना कि भाई उसको जो ट्रू शेप दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया शंकर देव जी के द्वारा दिया ठीक है ना इन्होंने बहुत सारी पोएट्री तैयार की है ड्रामा दया तैयार किया जैसे यहाँ पे अंकिया नाट लिखा हुआ है ये ड्रामा ठीक है ना इसके साथ साथ इन्होंने सॉन्ग्स तैयार किए हैं जैसे कि बोर गीत बोर गीत और एंड भातिमा ठीक है ना बोरगीत एंड भातिमा जैसे सॉन्ग्स को एनरिच किया है और ये बोरगीत वगैरह तो आज भी गाए जाते हैं ये आपने सुना होगा है ना प्लस एक क्लासिकल डांस है ये आपको बताया है मैंने सत्रीय डांस सत्रीय डांस के भी फाउंडर कौन बोले जाते हैं यही बोले जाते हैं कि इन्होंने ही सत्रीय डांस को फॉर्म किया है इन्होंने ही सत्रीय डांस को क्या किया है इवॉल्व किया है और तैयार किया है ठीक है ना और ये 2014 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था है ना किससे रिलेटेड है तो भगवान कृष्ण का जो आ, उनके लाइफ के इवेंट्स हैं उससे रिलेटेड ये आपका डांस होता है ये आठ क्लासिकल डांस में से एक है याद रखना है आपको ठीक तो ये क्लासिकल डांस याद रख लेना प्लस इसके साथ साथ इन्होंने सॉन्ग्स वगैरह सॉन्ग्स तैयार किए प्ले ड्रामा वगैरह का नाम याद रख लेना जैसे कि अंकिया नाथ अब एक लैंग्वेज इन्होंने तैयार की है कौन सी ब्रिजावली है ना ब्रिजावली क्या है ब्रिजावली एक लैंग्वेज है देखो इसको क्यों क्रिएट किया गया ठीक है ना ये लैंग्वेज क्यों आ, किसने क्रिएट किया है तो ये इन्होंने ही क्रिएट किया था और ये लैंग्वेज क्यों क्रिएट किया गया था जैसे भावना भावना हो गया या फिर ये आपका आ, यहां पे बहुत सारे क्लासिकल इवेंट्स होते हैं प्लस यहाँ पे बहुत सारे आ, अलग अलग ड्रामा होते हैं और थिएटर वगैरह होते हैं असम में तो वहां पर इस लैंग्वेज को यूज किया गया था इसको इसलिए क्रिएट किया गया था क्योंकि जो संस्कृत है है ना वो क्या है संस्कृत तो सब समझ नहीं पाते हैं वहाँ पे है ना संस्कृत सब समझ नहीं पाते हैं और वो क्या होता है और संस्कृत ही थी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी आपकी हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट की है ना लेकिन वो क्या हो रही थी डिफिकल्ट थी किसके लिए कॉमन मासेस के लिए जो कॉमन मासेस थे तो इसलिए ब्रिजावली ये जो लैंग्वेज है इसका उन्होंने डेवलपमेंट करवाया है ठीक है ना ये जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट किया है इसका यूज किया जाता है जैसे भावना नृत्य में भावना जो आपका वहाँ का जो लोकल फॉर्म है वहाँ पर यूज किया जाता है ठीक है ना तो ये शंकर देव क्या वो चाहते थे कि जो लैंग्वेज ड्रामा में हम यूज करते हैं है ना वो क्या होनी चाहिए डिफरेंट होनी चाहिए जैसे कि अभी तो संस्कृत का यूज कर लेते चाहते तो हम बट वो चाहते थे कि ये डिफरेंट हो ताकि और डिफरेंट ऐसा हो ताकि मासेस उससे कनेक्ट हो पाए है ना वो अपने आप को कनेक्टर कर पाए और मासेस कनेक्ट कब होंगे जब वहाँ पे आसामी एलिमेंट्स उसमें होंगे है ना तो इसीलिए वो क्या चाह रहे थे कि भाई ये लैंग्वेज ऐसी कुछ आए इसीलिए उन्होंने ये जो ब्रजावली लैंग्वेज है उसका यूज़ किया गया था ठीक है ना ऐसे एक वहाँ पे आपका जब मोहिनी अट्टम और कथाकली में एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं मैंने आपको बताया था आप कमेंट करके बताना यहाँ पे क्या है ठीक है ना उसमें बताओ मैंने आपको बताया था जब आपको मैंने वो पढ़ाया था तो बताया था ना जब ये कथकली वगैरह बताया था तो उसमें एक लैंग्वेज का नाम बताया था तो उसको आप उसको थोड़ा सा बताओ उसको आंसर क्या है ठीक है ना उसको चेक करना वैसे यहाँ पे एक लैंग्वेज लोकल वेरिएशन को तैयार किया गया है ताकि वो जब डांस ड्रामा यहाँ पे होता है तो उनमें उसको यूज किया जाए तो ब्रजावली याद रख लेना ठीक है ना फिर यहाँ पर uh, ये एक नाम धर्म याद रख लेना इससे रिलेटेड ये uh, महापुरुष धर्म याद रख लेना शत्री डांस याद रखना ठीक है ना तो ये सारी चीजें आपको पता होगी तब आपका क्लियर होगा ये ठीक है ना तो महापुरुष देव के बारे में इतनी चीज़ें आपको बता होनी चाहिए सगुण भक्ति का है कि निर्गुण भक्ति है है ना किसके अराउंड है सत्य क्लासिकल डांस के फाउंडर हैं और ब्रजावली लैंग्वेज जो है जो यूज होती है भावना में और अलग अलग इवेंट्स जो होते हैं उनमें उसका डेवलपमेंट उसका एनरिचमेंट करवाया गया है ठीक है ना एक आसरण नाम धर्म चालू किया मतलब क्या है ये जो उनका न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट है असम में उसको ये बोलते हैं महापुरुष धर्म क्या है तो उनके जो फॉलोअर्स अपने आप को सेपरेट ट्रीट करते हैं इसलिए वो अपने आप को क्या बोल देते हैं तो ये बोल देते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें आपको बता चाहिए कह से रिलेटेड शंकर देव से रिलेटेड ठीक है नेक्स्ट देखते हैं शंकर देव देख लिया अपन लोगों ने चैतन्य देख लिया अपन लोगों ने अब हम देखते हैं क्या तुलसीदास जी देख लेते हैं देखो तुलसीदास जी अगेन है ना पोएट सोशल रिफॉर्मर ठीक ठीक है भक्ति सेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया ये सब आप बता दोगे इन्होंने भक्ति काहे की बताई थी तो अगेन ये जो भक्ति है इनकी वो कैसी है वो सगुण भक्ति है और किसके इर्द गिर्द घूमती है सगुण भक्ति तो आपको पता होना चाहिए भगवान राम के इर्द गिर्द है ना मतलब इंटेंस डिवोशन टू डिवोशन टू राम ठीक है ना मतलब गॉड कौन से गॉड को किस फॉर्म में वो देखते हैं राम के फॉर्म में देखते हैं ठीक है ना तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इंटेंस की बात करते हैं राम की और आ, आ, सगुन भक्ति की बात कर रहे हैं ठीक है, है ना प्लस प्रीच क्या करते हैं प्रीच वही गीता उपनिषद है ना और आ, गीता उपनिषद और इनसे रिलेटेड जो आत्मा परमात्मा का कंसेप्ट है इसका जो कंसेप्ट है ठीक उसकी बात करते हैं ठीक है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका कि भाई इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? है ना इनका कंट्रीब्यूशन अगर बात करें तो आपने ये रामचरित मानस पढ़ी होगी रामचरित मानस किसने लिखी है वो तो इन्होंने ही लिखी है ठीक है ना रामचरित मानस इसके द्वारा लिखी गई है इनके द्वारा लिखी है इनफैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कौन सी लैंग्वेज में लिखी है तो लैंग्वेज में लिखी है ना लैंग्वेज में नेक्स्ट क्या बोल रहा मैं कि अगर अदर कंट्रीब्यूशन क्या है तो इनकी टेक्स्ट है कुछ जो इन्होंने लिखा है जिसको बोलते है, तीन बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है गीतावली कवितावली और लिखी है इन्होंने विनय पत्रिका सीधा सीधा आता है विनय पत्रिका बहुत बार पूछा है कि विनय पत्रिका किसके कि द्वारा लिखी है तो इनके द्वारा लिखी गई प्लस ये जो हनुमान चालीसा आप जानते हो है ना जो आज मंत्र पढ़ते हैं तो किसके द्वारा लिखा है इनके द्वारा लिखा है ठीक है ना हनुमान चालीसा ये भी इनके द्वारा लिखा है ये सब क्या बताती है ये सब आपको शो करती हैं इंटेंस डिवोशन टू गॉड ठीक है ना इंटेंस डिवोशन टू गॉड है ना इस चीज को ये शो करती है तो तुलसीदास जी के बारे में ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है न, उतना आपको पता होना चाहिए ठीक है तो तुलसीदास जी देख लिया वैसे अगर हम देखें सूरदास जी ठीक सूरदास जी की बात करें अगर तो इन्होंने वही बात करें कि वे किसके कंटेम्प्ररी थे किसके समय काल के हैं, तो अकबर के समय के काल है तो अकबर है ना और वही की इनका कंट्रीब्यूशन अगर देखें अगर आप इनका कंट्रीब्यूशन तो वही तीन बुक आपको याद रख लें सूर सागर ठीक नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं आ, सूर सार वली है इनका सूर सार वली ये भी एक उनका कंट्रीब्यूशन है और एक साहित्य लहरी यह बहुत बार पूछा है साहित्य लहरी पत्रिका बहुत पूछा है, वैसे इनका बहुत पूछा है देखो यहाँ से तो आप बता दोगे सूर सूर लिखा है तो सूरदास जी से आप कर लोगे बट ये कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे लैंग्वेज यूज जो होती थी इनकी ब्रिज भाषा है ब्रिज भाषा ना अब आपको पता करना है कि भाई इनका ये जो भक्ति है है ना वो कौन सी है कौन सी है सगुन है कि निर्गुण है सगुन है कि निर्गुण है तो निर्गुण नहीं है इनकी कौन सी है सगुन है आपको बस इतना सा कि सगुन है तो किसके फॉर्म में राम है कि कृष्ण है है ना ये पता करके रखो आप दोनों में से कि राम है कि कृष्ण है आइडेंटिफाई करके रखना ठीक है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब में आपको कॉमन पॉइंट तो ये बताना ही बताना है कि भाई कौन से तरीके की भक्ति है और किसके कारण ये हो रही है तो ये सब चीज़ें बिना इसके तो कुछ होना नहीं ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं मीरा बाई है ना इसमें भी ज़्यादा कुछ जो जो इम्पोर्टेंट जितना था ना वो उतना मैंने आपको बता ही दिया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको आए ठीक है, है ना तो मीरा बाई से रिलेटेड क्या बता ना? पता बताना पता होना चाहिए कि ये राजपूत प्रिंसेस थी राजपूत प्रिंसेस थी आप पता लगाइए कि कहाँ से है ना कि भाई किस रीजन से ये राजपूत प्रिंस थी चलो मैं बता देता हूँ आपको कि ये मेवाड़ से थी ठीक है ना ये आपको बता होना चाहिए मेवाड़ से थी ठीक है ना ये राजपूत रॉयल घराने मेवाड़ का जो रॉयल घराना है वहां पे इनका शादी हुआ था मैरिड टू राजपूत रॉयल कहाँ के मेवाड़ के ठीक है ना अब इनका जो जिसलिए जानी जाती हूँ काहे के लिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारे गाने कीर्तन भजन तैयार किए हैं काहे में राजस्थानी में किसके लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ठीक है ना और इन्होंने प्रेम भक्ति का जो चरम था उसको इन्होंने अचीव किया और प्रेम भक्ति का जो ये है भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसको इन्होंने दिखाया है और इन्होंने कंपोज किया है क्या कंपोज सॉन्ग्स भजन कीर्तन है ना काहे में राजस्थानी में ठीक है ना और ये क्या चीज को बताती हैं तो ये आपको बता दोन टू कृष्णा और सेल्फेशन मतलब प्रेम भक्ति प्रेम भक्ति तो ठीक है और उसमें भी कौन सी भक्ति तो भक्ति कैसी होगी इनकी आप बता दोगे भक्ति कैसी थी सगुन सगुन में कौन सी तो कृष्ण भक्ति है ना कृष्ण भक्ति की बात करती हैं इंटेंस उसमें भी मैंने बताया तो उसका जो चरम होता है जिसको बोलते हैं प्रेम भक्ति कृष्णा भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम भक्ति है इनकी उसको ये दिखाती हैं उसी में उन्हीं को वो करने के लिए इन्होंने राजस्थानी में भजन कीर्तन और सॉन्ग तैयार किए हैं है ना इसमें उन्होंने अलग अलग तरीके के सॉन्ग्स सॉन्ग लिखे हैं सॉन्ग राइट किया है म्यूजिकल टोन्स तैयार किए हैं है ना ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई म्यूजिकल टोन्स और ये जो सॉन्ग्स वग़ैरह हैं उनके लिए डेडिकेट किया है है ना तो इतना चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बाकी आ, मेंस में तो इतना सारा चीजें है प्री से रिलेटेड जो जो चीज़ें थी तो वो तो आपको मैंने समझा ही दी है वो तो आप जान जानने ही लगे हो कि भाई प्री में इतने सारा आगे पहले का डिटेल जो बताया हूँ वो का आपको आ, उतनी बुक्स वगैरह जो हैं कंट्रीब्यूशन है जो फीचर्स होते हैं वो सब चीज़ें समझा ही दी मैंने आपको है ना तो अब भक्ति मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन अगर भक्ति मूवमेंट का अगर हम कंक्लूड करें तो भक्ति मूवमेंट किस किस चीज को मतलब इसका कंट्रीब्यूशन क्या है भक्ति मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन है ना इसका कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये भक्ति मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन आपको सारे एस्पेक्ट में देखने को मिले चाहे आर्ट हो है ना है ना आर्ट एंड कल्चर पूरा लिख लेते हैं एक बार आर्ट एंड कल्चर के सारे एलिमेंट में आपको देखने को मिलेगा है ना जैसे कि जैसे कि म्यूजिक में है ना तो वही बहुत सारे सॉन्ग कंपोज हुए ये सब चीज़ें आपको मैंने बताई है ना फिर उसके बाद आपका फिलोसफी में है ना वेदांत फिलोसफी न्यो वेदांत फिलोसफी सब कुछ आई ठीक है ना इसमें आपको द्वैतवाद अद्वैतवाद से लेकर के विशिष्टा द्वैतवाद फिर आपका अचिंत भेद अभेद ये भी देखा था हम लोगों ने है ना मतलब वेदांत की फिलॉसफी में डेवलपमेंट आया है ठीक उसके साथ साथ आपका डांस में जितने भी क्लासिकल डांस है सब में आपको सब में एक भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको भक्ति मूवमेंट का टच नहीं दिखेगा आठ के आठ क्लासिकल डांस में आपको भक्ति मूवमेंट का टच देखने को मिलता है ठीक है ना डांस हो गया पेंटिंग हो गई पेंटिंग हो गई पेंटिंग में जैसे कि राजस्थानी पेंटिंग वगैरह देखोगे आप पहाड़ी पेंटिंग देखोगे है ना इसमें राजस्थानी पेंटिंग देखोगे पहाड़ी पेंटिंग देखोगे तो सब में आपको इसके एलिमेंट देखने को मिलेंगे अभी मैं इस सब जब बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा ये सब चीजें ठीक है ना बिलीफ में है ना बिलीफ जो बिलीफ पैटर्न है उसमें चेंज आया है ना जैसे स्क्रिप्चर्स वगैरह छोड़ करके आप अब भक्ति पर ज्यादा बिलीव करने लगे लोग है ना इंटरमीडियरीज को हटा दिए तो ये सब बिलीफ में चेंज हो गया सोशल चेंज ये तो आर्ट एंड कल्चर हो गया नेक्स्ट आप बता दोगे सोशल चेंज सोशल चेंज में कास्ट वाला एंगल बता दोगे इक्वलिटी वाला बता दोगे है ना इक्वालिटी मैन में भी मैन वर्सेस वुमेन और विद इन कास्ट कास्ट में इक्वालिटी की बात कर लोगे आप ठीक है ना आ, ब्रह्मेनिकल सोसाइटी के अगेंस्ट थे ये सारे एंगल जो जो आप जानते हो जो जो पढ़े हो है ना वो सब आप इसमें समझा दोगे नेक्स्ट क्या है लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है है ना जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब से लेकर के बीजक से लेकर के विनय पत्रिका हो गई साहित्य लहरी हो गई रामचरित मानस हो गई जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ये सबका डेवलपमेंट होता है ठीक है ना तो क्लासिकल डांस बता दिया डांस में यहाँ पे सत्री वगैरह बता दोगे आप सत्री तो इसी समय बना था है ना मणिपुरी रस भी मणिपुरी रस भी इसी में मणिपुरी रस जो है उसमें इन दोनों में तो सबसे इसी समय के ही वो उनका डेवलपमेंट हुआ है ठीक है ना लिटरेचर क्या है लिटरेचर में तो इतनी सारी लिटरेचर आप जानते हो वो सब बता दोगे आप क्या क्या कंट्रीब्यूशन है तो सोशल में बता दोगे आर्ट एंड कल्चर में बता दोगे है ना और पॉलिटीज पॉलिटी uh, में भी आ जाएगा कंट्रीब्यूशन ठीक है ना राजा का पेट्रोनेज टेम्पल बिल्डिंग ये सब चीज़ें है ना आर्किटेक्चर में क्या बताओगे आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर में वही टेम्पल बिल्डिंग टेम्पल बिल्डिंग वगैरह और यहाँ पे लिटरेचर में एक तो हेजियोग्राफीज़ भी लिखोगे याद करो मैंने आपको बताया था हेजियोग्राफीज़ मतलब तमिल भक्ति के समय में जो सूफ सेंट्स होते थे उनके बारे में जो बायोग्राफीज़ होती थी है ना वो सब हेजियोग्राफीज़ वगैरह भी आप बताओगे ठीक है तो ऐसे करके आप कंट्रीब्यूशन में इतना सारा पॉइंट आप बता सकते हो ठीक है नेक्स्ट अगर बात करें हम कि भाई सिमिलैरिटीज़ बताओ भक्ति मूवमेंट में और आ, सूफी मूवमेंट में भक्ति एंड ठीक तो इनमें कुछ कॉमन पॉइंट हैं। इसको चाहो तो अभी पहले ही इसको समझ लो या फिर आप जब चैप्टर के जब सूफिज्म पढ़ लोगे तब एक बार कर लेंगे ठीक है ना कि भाई डिफरेंसेस होंगे तो एक काम करते हैं पहले सूफिज्म पढ़ ही लेंगे तब जाकर के हम ये डिफरेंस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा नहीं तो अभी से अगर बता दूंगा तो दिक्कत में आ जाओगी ठीक है तो इसको हम करेंगे क्या जब हम सूफिजम को पढ़ लेंगे तब उसके बाद दोनों को फिर डिफरेंसेस तैयार कर लेंगे और सिमिलरिटीज तैयार कर लेंगे तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिवली uh, ये टॉपिक हो जाएगा तो भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी हाँ करंट में अगर कुछ होगा तो करंट से आपको बार बार अपडेट कर करते रहना है कोई एनिवर्सरी वगैरह किसी की होती है तो कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं तो वहाँ से आप अपडेट कर लेना और अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना तो आपका हो जाएगा ठीक है तो भक्ति मूवमेंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट